जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने कहा कि प्लाज्मा का दान करना भी रक्तदान करने जैसी ही प्रक्रिया है। जो लोग कोविड से मुक्त हो चुके हैं वे अपना प्लाज्मा गंभीर कोविड मरीजों को दान कर सकते हैं। पिछले माह मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था, इलाज के बाद अब मैं स्वस्थ हूँ। शरीर में एंटीबॉडीज तैयार होने से मैंने सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाकर प्लाज्मा दान किया है। मेडिकल की प्लाज्मा बैंक प्लैटिना प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब तक 72 दाताओं ने प्लाज्मा दान किया है। इस वजह से अब तक 58 अति गंभीर कोविड मरीजों को ये प्लाज्मा देकर ठीक किया गया है। मेडिकल के अधिष्ठाता डॉक्टर सजल मित्रा, डॉक्टर अविनाश गावंडे, नोडल अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद फैजल तथा ब्लड बैंक प्रमुख डॉक्टर संजय पराते उपस्थित थे।